नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। 24 जनवरी बिहार की सियासत के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन माना जा रहा है, क्योंकि राजनीति बड़े नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू अब आमने सामने आ गई है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू का ये कहना है कि वह दोनों ही बिहार के मिलर स्कूल मैदान में रैली करेंगे, जिसको लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर बीजेपी क्यों इतनी बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, आखिर क्यों जेडीयू और बीजेपी के बीच ये जंग छिड़ी है। तो इन तमाम सवाल के जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। सबसे पहला सवाल कि बीजेपी आखिर इतनी बड़ी रैली का आयोजन क्यों करा रही है? क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर रही है? क्योंकि आज से पहले बीजेपी ने कभी भी इतना मेगा इवेंट नहीं करवाया है। कर्पूरी ठाकुर की तो 100वीं जयंती है, तो क्या है इसके पीछे बीजेपी की मंशा? देखिए, बीजेपी की ही नहीं बल्कि सारी पार्टियों की मंशा है, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो। जी कल आरजेडी भी मना रही है 100वीं जयंती कर्पूरी जी की, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वेटनरी जी ग्राउंड में जेडीयू मना रही है। और चूंकि मिलर स्कूल में इनका पहले से फिक्स था, मिलर स्कूल इनको नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं और इनके पार्टी के लोग हैं नाराज हैं, और वो कह रहे हैं कि ठीक है, कर्पूरी जयंती तो कहीं भी मनाई जा सकती है, हम बीच सड़क पर ही मना लेंगे। अब सरकार को जो एक्शन लेनी होगी लेंगे। तो सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के बाद जो आपके सवाल है कि आखिर कर्पूरी जी 100वें वर्ष में इन पार्टियों को इतना याद क्यों आने लगे, याद आने के पीछे 36% का वोट बैंक है। वो जो ईपीसी का जो 36% वोट बैंक है, उस पर हर पार्टी की नजर है। और कर्पूरी ठाकुर जी एक पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और उसमें रिजर्वेशन का एक पहली बार बिहार में इसका इजाद किया था। ठीक है, बाद में क्रेडिट जो इसका ले ले, लेकिन इसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी। तो वो जो 36% वोट का जो आंकड़ा है कि जिससे ईबीसी आते हैं, उस पर हर पार्टी की नजर है और हर पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है कि कर्पूरी हमारे हैं और हम कर्पूरी के हैं। ठीक है, वो कितना माइलेज ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे वो तो बात की चीज है, लेकिन वो माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। सादगी को लेकर के, जो उनका जो लाइफ स्टाइल था, जिस तरह से वो बहुत ही अति साधारण तरीके से मुख्यमंत्री के रहने के बाद भी जीवन जीते थे, शायद कोई पार्टियां अगर उनका अनुसरण करती तो आज बिहार की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन जो उनके वो जो गुण है, उनका अनुसरण न करके जो उनके इर्द गिर्द जो वोटों का गणित है, वो गणित सारी पार्टियों को अपील करती है। और लगता है कि इसी बहाने, कर्पूरी जी के 100वीं जयंती के बहाने ही ईबीसी वोटर को कैसे साधा जाए, उनको हम मैसेज कैसे दे सकें कि आपके हितैषी हम हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, और जब आप जुड़िएगा तो निश्चित रूप से आपके भला के लिए जो भी हो सकता है, हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो आपके लिए करेगी, सत्ता में नहीं भी होगी तो आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो वो जो 36% का वोट बैंक दिख रहा है पार्टियों को, इस वजह से कर्पूरी ठाकुर की जयंती इतनी धूमधाम से मनाने की हर जगह कोशिश हो रही है। मुहाने पर सामने चुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव है, 25 में विधानसभा का चुनाव है। तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो एक बड़ा उनका जो वोट बैंक की जो ताकत दिखी है, वो वोट बैंक की ताकत ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती को सारी पार्टियों को मनाने के तरफ मोड़ा है। देखते हैं वो ईबीसी वोटर, जिनके नायक कभी कर्पूरी ठाकुर जी रहे थे, जिनको गरीबी गुर्बत से उठाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, कैसे उनके साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते।
सिर्फ अगर मैं बीजेपी की बात करूं यहाँ पे, तो महागठबंधन का कॉपीराइट है कर्पूरी ठाकुर पे, तो क्या बीजेपी कहीं ना कहीं डर चुकी है, क्या बीजेपी कहीं ना कहीं सहम चुकी है? क्योंकि अगर हम नरेंद्र मोदी की भी बात करें इसमें एड ऑन करके, तो नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा की तैयारी भी बिहार से ही कर रहे हैं, तो आखिर बीजेपी की इसके पीछे क्या क्या प्लान है, क्या फॉर्मूला है? नहीं, ऐसा कुछ कॉपीराइट नहीं होता है। हाँ, समाजवादी पृष्ठभूमि को लेकर के ये जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी धारा से जुड़े हुए थे, समाजवादी धारा को ही धार दी है, और हम लोग भी समाजवादी धारा से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग तो नेचुरली हर बार उनको याद करते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पंथी विचारधारा की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम जब हिंदू पोलराइजेशन की बात करते हैं तो वहां हम जातियों में बटा हुआ समाज नहीं देखना चाहते। हमारे लिए न कोई ओबीसी है, न कोई ईबीसी है, न हमारे लिए कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है, तो हम अमीर और गरीब की जाति में बांट करके देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम क्यों इस कॉपीराइट को किसी को लेने दें, कर्पूरी हमारे भी हैं, हम भी कर्पूरी जी के विचारों के वाहक हैं, हम जब योजनाएं बनाते हैं, हम जब वेलफेयर स्कीम तय करते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर की जो सोच थी, समझ थी, गरीबों के लिए जो उनके मन में पीड़ा और दर्द थी, हमारी योजनाओं में वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर्पूरी ठाकुर जी को छोड़ दें, लेकिन ये बात सैद्धांतिक तौर पर समझ में आती है। व्यवहारिक पक्ष जिसके तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो पक्ष में भी दम है कि आखिर कर्पूरी ठाकुर जी इस बार ही क्यों याद आए या अभी ही क्यों याद आए। उसके पीछे का वो जो वोट बैंक है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर किया कि वो जो ईबीसी वोटरों को साधने या वहां तक मैसेज पहुंचाने में, कि जो आपके नायक थे, जो आपके बहुत बड़े आइकॉन थे आपके समाज के, हम उनको भी आदर्श मान करके और हम राजनीति की दिशा तय करेंगे, राजनीति को धार देंगे, ताकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये उन्हीं के हिस्से में होंगे, हमारे हिस्से में नहीं होंगे। तो जब पोलराइजेशन की बात करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी भी, तो उसमें तो 36% का चंक अगर इनसे कट जाता है और कोई कॉपीराइट ही सही अगर कह के उनका ये अपने पाले में वो ले आते हैं, तब तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें जहां सीधे सीधे ईबीसी प्रभावित करते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। और जो ईबीसी बैकग्राउंड से भी जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, हम लोग असली कर्पूरी जी के विचारों के वाहक हैं, कोई व्यक्ति तो भाषणों में केवल उनका नाम लेता है, बल्कि आरोप लगाते हैं कि अगर कर्पूरी जी के इतने ही बड़े वाहक ये थे, तो कर्पूरी जी को इन्होंने क्या क्या कह के संबोधित किया, सबको पता है पब्लिक डोमेन में। कर्पूरी जी को सत्ता से किसने ये हटाया था, किसने विरोध किया था, हम लोग तो कर्पूरी जी के साथ थे। तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन मूल जो सवाल है वो यही है कि सबको की नजर है वो 36% ईबीसी वोट बैंक को साधने। संजय जी, एक आखिरी सवाल, क्या कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती बनेगी जीत की गारंटी, फिर चाहे वो बीजेपी के पक्ष से देखें हम, चाहे फिर वो जेडीयू के पक्ष से देखें? बिल्कुल बनेगी, ईबीसी वोट बैंक के ही तो नायक इतने दिनों से नीतीश कुमार बने हुए हैं और तब 18 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं। अगर बिहार में जातीय सच्चाई को अगर आप देखेंगी, तो जातीय सच्चाई में नीतीश कुमार जी जिस जाति से आते हैं उसके वोट प्रतिशत कितना है, और नीतीश कुमार जी को कहा है कि चाहे वो गठबंधन आरजेडी का हो या गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का हो, नीतीश कुमार जी सबके लिए मजबूरी भी हो जाते हैं, सबके लिए जरूरी भी हो जाते हैं। और माना जाता है कि जो ईबीसी को इन्होंने जो ताकत दी है, चाहे वो पंचायतों में, नगर निकायों में रिजर्वेशन की बात हो, उनकी ये की बात हो, वेलफेयर स्कीम की बात हो, राजनीतिक से लेके, सामाजिक से लेके आर्थिक ताकत, शैक्षणिक ताकत अगर दी है, तो ईबीसी भी नीतीश कुमार जी पर भरोसा करती है। और ईबीसी पर भरोसा करने की वजह से ही कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिधर होंगे ईबीसी के वोटर उधर ही खड़े होंगे, और इसीलिए तो जेडीयू पूरी ताकत लगाई है।
जेडीयू 100वीं जयंती मनाने में अपनी पटना में वो पोस्टर से, बैनर से, होर्डिंग से वो पाट दिया है। तो नीतीश कुमार जी को तो माना जाता है कि हमारे साथ तो यही एक वोट बैंक है जो खड़ा है। भाजपा अगर उसको फ्रैक्चर्ड करना चाहती है करेगी, आरजेडी फ्रैक्चर्ड करना चाहती है करेगी। तो अब ये फ्रैक्चर होते हैं नहीं होते हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हाँ ये बात तो जरूर है जो आप कह रही हैं कि क्या ईबीसी वोटर जिस तरफ पोलराइज हो जाएंगे उधर पलड़ा भारी हो जाएगा, और जिस तरफ से ईबीसी वोटर हट जाएंगे उधर का पलड़ा हल्का हो जाएगा। पूरी सच्चाई है इसमें, क्योंकि 36% अगर 100 का गणित देखेंगे तो 100 में अगर 36, ठीक है ईबीसी में भी कई जातियां हैं और किसी भी जाति का परसेंटेज 2.5-1 से अधिक नहीं है, लेकिन जब ये सारी अंगुलियां जुड़ जाती है तो मुट्ठी बन जाती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी जातियां हैं अगर ये जुड़ जाएंगी और जुड़ करके 36% के आंकड़ा को ये लोग छू लेते हैं और फिर जब एक तरफ ये पोलराइज हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये चीजों को प्रभावित कर देते हैं। तो जीत और हार ये दोनों में ईबीसी एक फैक्टर तो है ही बिहार में ना, इससे कौन इनकार कर सकता है। सामाजिक आर्थिक सर्वे में तो यही आया है कि सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो वो संख्या ईबीसी की है। दलित से भी अधिक है ये, ओबीसी से भी अधिक है, अगड़े तो बहुत कम है। तो अगर उस स्थिति में ईबीसी वोट बैंक जिधर भी अपने को ये देखेगा कि हम इस तरफ हमको गोलबंद होनी है, इनके पक्ष में खड़ी होनी है, इनके लिए हमको वोट करनी है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी जीत में कहीं कोई ये नहीं रह जाएगा। और जिधर ईबीसी वोट खिसक जाएगी कि नहीं अब हम आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जीतने में उनको नाको चने चबाना पड़ेगा। ठीक है राजनीति की परिस्थितियां अलग होती है कि कभी आमने सामने फाइट होता है, कभी ट्रायंगुलर फाइट हो जाता है, कभी चतुष्कोणीय संघर्ष हो जाता है, उसमें कोई विधायक जीत जाते हैं, कोई एमपी जीत जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर अर्थमेटिक की आप बात कहिएगा तो 36% का अर्थमेटिक ईबीसी के पास है और जिसके नायक हैं कर्पूरी ठाकुर। इस वोट बैंक पर सारी पार्टियों की नजर है, वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, समाजवादी हो या गांधीवादी हो, अंबेडकरवादी हो या सामाजिक चेतना के नायक हो, सबकी नजर उन पर है। देखना होगा कि ये 36% का वोट बैंक किनसे प्रभावित होकर के और चुनाव में कहां अपना मत डालती है, जिनके हिस्से में परिणाम आता है। इससे बिल्कुल आपके सटीक सवाल है कि ये वोट बैंक तय करेगा बिहार की राजनीति और जीत और हार भी तय करेगा। जिनके पक्ष में होगा स्वाभाविक है कि परिणाम उनके पक्ष में आएगा, जिनके विरोध में होंगे स्वाभाविक है कि परिणाम से वो दूर रह जाएंगे। इसलिए ईबीसी वोट बैंक एक फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये 36% का जो आंकड़ा है ये जेडीयू और बीजेपी इसमें से कौन सा दबाता है, और क्या सच में कर्पूरी ठाकुर की ये 100वीं जयंती बीजेपी और जेडीयू में से किसके लिए जीत की गारंटी बनेगी, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बताएंगे। लेकिन तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 बिहार झारखंड। धन्यवाद।